समान स्कूल प्रणाली मेरी नज़र में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, जो आज़ादी की लड़ाई में सपने देखे गए थे, जो कि आधे पूरे हुए और आधे बाकी हैं, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक ज़रूरी और बल्कि एक अनिवार्य कदम है। समान स्कूल प्रणाली हमारे समाज और हमारे पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा कदम है कि जिसकी अनदेखी करके हम अपने लोकतंत्र के किए वादे को, संविधान में किए हुए वादे को, राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी की लड़ाई के समय किए हुए वादे को हम पूरा कर नहीं सकते। तो ये समझना ज़रूरी है कि कॉमन स्कूल सिस्टम है क्या। बहुत हम सरल शब्दों में और बुनियादी नज़रिए से समझें तो कॉमन स्कूल सिस्टम उस संकल्प का नाम है, उस इरादे का नाम है कि जिसमें देश के सभी बच्चों के लिए एक समान गुणवत्ता की, सभी के लिए उपलब्ध एक शिक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था इस बात से तय नहीं होगी कि आपकी माली हालत क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, देश में चाहे वो कोई जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हो, एमपी एमएलए जैसा, सीएम या पीएम हो, कोई अधिकारी हो, ठेकेदार हो, या किसान मजदूर दस्तकार हो, उन सभी के बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे देश के बच्चे हैं, हमारे भविष्य को तय करने वाला असली राष्ट्र जिसको कहते हैं वो है, हमारा नेशन जो है वो, जो बच्चे हैं उनको मिला के बना हुआ एक कॉस्मोस है, एक दुनिया है, उन सबके लिए हम एक बहुत सुंदर भविष्य का सपना देखते हैं और उस सपने को सच करने का इंतजाम करते हैं, उसका नाम कॉमन स्कूल सिस्टम है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अलग अलग बच्चों की आर्थिक स्थिति देखते हुए, सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हुए, उनके लिए अलग अलग भविष्य की कल्पना करें और हम एक राष्ट्र की, एक राष्ट्र की कल्पना कर सकें। हम फिर एक विभाजित समाज में जी रहे होंगे, टूटे हुए समाज में जी रहे होंगे, अगर हमको एक समाज, एक राष्ट्र, भविष्य के लिए एक सुंदर दुनिया, सुंदर अपनी एक समुदाय और जीवंत एक समाज चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था दे सकें जिसमें हर किसी को पढ़ने के, खेलने के, कूदने के, हंसने के, सुंदर बचपन जीने के, विज्ञान सीखने के और अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के कमोबेश एक तरह के बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ अवसर मौजूद हों। तो समान स्कूल प्रणाली उस राष्ट्रीय संकल्प का नाम है जो वादा करती है कि हमारे स्कूल इतने अच्छे होंगे, इतने सुव्यवस्थित होंगे कि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन आप चाहेंगे कि उसी स्कूल में हम साथ में पढ़ें। और इसी के साथ जुड़ी हुई है पड़ोस के स्कूल की अवधारणा कि जो, जहां मैं रहता हूं उसके 1, 2, 4 किलोमीटर के अंदर एक ऐसा स्कूल होगा कि मेरी अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन उस स्कूल में मैं और मेरा पड़ोसी और सबके बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे और सभी को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, खेलने के अवसर, खिलने के अवसर मिल रहे होंगे। तो समान स्कूल प्रणाली, मैंने फिर कहा आपसे कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के संकल्प, हमारे संविधान में किए हुए संकल्प, उसके नीति निर्देशक तत्व और हमारी तमाम जो शहीद हुए हैं उनको, उनके सपनों को सच करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है, जिसमें कि एक ये वादा, ये विश्वास निकल कर आता है कि देश हर किसी का है, हर बच्चे का है, आज जैसा है उससे हम बहुत बेहतर अपना देश बना सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि हम देश के हर बच्चे के लिए एक समान गुणवत्ता की, एक बहुत खूबसूरत भविष्य को की तरफ ले जाने वाली एक समान शिक्षा प्रणाली को आश्वस्त कर सकें। तो मैंने आपसे बताना चाहा कि समान शिक्षा प्रणाली क्या है। अब दूसरा एक सवाल इस तरह का उभर सकता है कि आखिर समान शिक्षा प्रणाली क्यों, कॉमन स्कूल सिस्टम क्यों। इसके बाद हम इस सवाल पर भी आएंगे कि कॉमन स्कूल सिस्टम कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है। लेकिन मैं अगर पानी में छलांग लगा दूं तो ये सवाल कि मैं कैसे डूबूंगा या कैसे तैरूंगा, ये बात का सवाल है। उससे पहला सवाल ये है कि मेरे अंदर जीने की ललक है, इसलिए मैं जीऊंगा, मैं तैर कर निकलने की कोशिश करूंगा, मैं बच कर निकलने की कोशिश करूंगा। तो समान स्कूल प्रणाली के बारे में भी ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यों ज़रूरी है। मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कुछ मैंने इशारा किया, मैं इस बात में दोहराना चाहूँगा यहाँ कि अगर हमने लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र को पाया, हमने लंबे संघर्ष के बाद इस देश के लिए आज़ादी को पाया,
हमने सामंतवाद को पीछे छोड़कर, छुआछूत को पीछे छोड़कर, जमींदारी की व्यवस्था को पीछे छोड़कर, हमने एक ऐसे देश को बनाने का संकल्प, एक सपना हमने संजोया जो कि लगातार प्रगति करे और जिसकी देश की प्रगति का मतलब हो हर नौजवान हर बच्चे की प्रगति, जिसमें हर किसी की भागीदारी हो। अगर ये सपना सच करना है तो समान स्कूल प्रणाली जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र माने जनता का शासन जिसमें जनता सबसे बड़ी हो, कोई एक परिवार नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, कोई राजतंत्र नहीं, कल तक के कुछ चंद 1-2 हज़ार परिवार पूरे देश के नहीं, जिसमें जनता के अंदर जनता के अंदर आने वाला एक एक वर्ग, एक एक व्यक्ति, उसका एक केंद्र का स्थान हो। हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा देश है, जिसको यंगिस्तान भी कहते हैं, यंग इंडिया भी कह सकते हैं, युवा भारत भी कह सकते हैं, जिसकी आबादी 50-55% 60% आबादी युवाओं की है, बच्चों की है। ये आने वाली जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा, सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे इस भूदेश में हैं, हमारे भारत में हैं। ये इसको देखने का एक नज़रिया ये हो सकता है कि हम जनसंख्या को एक बहुत बड़ी समस्या मानने लगें, लेकिन इसको देखने का एक बिल्कुल दूसरा नज़रिया हो सकता है जहाँ हम हमारी बहुत अच्छी और बड़ी जनसंख्या को एक लायबिलिटी की तरह ना देखें, एक बोझ की तरह ना देखें, एक संसाधन या एक बहुत ही छुपी हुई एक शक्ति के रूप में देखें। तो शिक्षा में निवेश, एक बहुत बेहतरीन शिक्षा ये संभव बनाती है कि हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी जनसंख्या है वो एक लायबिलिटी ना बने, वो बोझ ना बने, वो क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का, उत्पादकता का, प्रगति का एक नई संभावना को खोल दे। समान स्कूल प्रणाली इसलिए जरूरी है क्योंकि वो व्यक्ति मात्र में, हर बच्चे में, हर युवा में छुपी हुई प्रतिभा, छुपे हुए खजाने को पहचानती है और एक इस विश्वास पर आधारित है कि हर बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक छुपा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी छुपा है, बहुत अच्छा लेखक छुपा है, या बहुत अच्छा इंजीनियर छुपा है, या बहुत अच्छा कुछ भी करने वाला छुपा हुआ है। तो समान स्कूल प्रणाली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको 100 में से 5 का विकास नहीं करना, 100 में से 10 को एक्सेल नहीं करना, 100 में से 15 लोगों के साथ काम नहीं करना, हमें 100 में से 100 के साथ काम करना है। और ये संभव कैसे है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये ज़रूरी क्यों है। लोकतंत्र बचाने के लिए, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, एक नेशनल सोसाइटी के रूप में, एक राष्ट्रीय समाज के रूप में हम अपने देश के, अपने समाज के हर बच्चे को न्याय दे सकें, हर बच्चे में छुपी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकें। वो चाहे आदिवासी अंचल से आता हो, चाहे वो दलित परिवार से आता हो, या वो किसी बुनकर समाज से आता हो, किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, किसी एक अंग उसका उस तरह से विकसित नहीं हो, लेकिन एक अंग विकसित नहीं है लेकिन बाकी पूरा शरीर, उसका मस्तिष्क बहुत विकसित हो सकता है। तो जो जैसा बच्चा जिस पृष्ठभूमि से हमें मिलता है उसके अंदर 2 चीज़ें नहीं होंगी लेकिन 10 प्रतिभाएं होंगी, उस प्रतिभा को निखारने का जिम्मेदारी, उस प्रतिभा को निकालने के राष्ट्रीय संकल्प का नाम समान शिक्षा प्रणाली है, जिसमें ये अहद है, ये संकल्प है कि हर बच्चे का विकास करना है, हर बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारना है। वो समान स्कूल प्रणाली से संभव है, हर स्कूल को एक बहुत अच्छी गुणवत्ता का केंद्र बनाकर संभव है, हर स्कूल को अपने संदर्भ के साथ जोड़कर संभव है, हर बच्चे की भाषा को स्वीकार कर संभव है, हर बच्चे के अंदर छुपे हुनर, उसके अंदर छुपी कला, उसके अंदर ज्ञान को, सीखने की ललक को मान्यता देकर संभव है। वो कब होगा? वो तब होगा जब हर स्कूल हमारे लिए एक आदर्श, हर स्कूल हमारे लिए मॉडल स्कूल, हर स्कूल हमारे लिए प्रतिभा विद्यालय होगा, जब स्कूलों के बीच वर्गीकरण नहीं होगा। ये नहीं कि अफसर IAS लोगों के लिए संस्कृति स्कूल, एक 10 लाख की आबादी के पीछे पूरे ज़िले में एक नवोदय विद्यालय, कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र के विद्यालय, ये नहीं होगा। हमारा हर स्कूल ऐसा होगा जिसमें किसी MLA या MP, किसी DM या SDM और किसी किसान के बच्चे को भेजने से पहले ये सोचना ना पड़े कि नहीं, मेरे लिए ये स्कूल नहीं, ये बेहतर है। लोग 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर दूर बच्चों को भेजते हैं,
हजार हजार किलोमीटर दूर बच्चों को भेजते हैं कि मुझको नहीं उस स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए नहीं कि पड़ोस वाला स्कूल में संभव नहीं है, इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमने स्कूलों के नाम पर पूरे देश में 10 प्रति व्यवस्था बना दी है, 10 अलग अलग तरह के सिस्टम बना दिए हैं। कुछ स्कूल बहुत ख़राब हैं, कुछ कम खराब हैं, कुछ थोड़े अच्छे हैं, कुछ और थोड़े अच्छे हैं, कुछ स्कूलों को हमने एक्सीलेंट स्कूल मान लिया है। ये राष्ट्रीय समाज के रूप में हमारी असफलता है, हमारे पूरे राजनीतिक प्रतिष्ठान की असफलता है कि हमने उस लक्ष्य को, उस सपने को छोड़ दिया है जिसमें हर स्कूल को सुंदर बनाया जा सकता है, जिसमें हर बच्चे का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो मैंने कहा समान स्कूल प्रणाली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। हम आज़ादी की लड़ाई में जो हमको प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी प्राप्त हुई, उसको हम मुकम्मल आज़ादी में बदलना चाहते हैं। उस आज़ादी के सपने, उस आज़ादी के स्वाद को हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है समान स्कूल प्रणाली। और साथ ही क्योंकि हम आर्थिक रूप से बहुत उन्नति करना चाहते हैं, हम आर्थिक रूप से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए एक एक बच्चे को सृजनात्मकता के काम में, रचनात्मकता के काम में, उत्पादकता से जोड़ना जरूरी है, रोजगारों से जोड़ना जरूरी है, और साथ ही एक सुंदर जीवन, आत्मसम्मान का जीवन, गरिमा का जीवन उसको देना जरूरी है। वो कैसे संभव होगा जब उसका परिवेश, उसका स्कूल या उसका पूरा ग्रामीण या शहरी परिवेश उसके लिए खेलने का, कूदने का, सीखने का स्थान बनेगा। समान स्कूल प्रणाली उस तरह का वादा कर सकती है, उस तरह का इरादा कर सकती है। तो मैंने आपको बताया, मैंने आप तक ये अपील पहुंचाई, समान स्कूल प्रणाली लोकतंत्र को और आज़ादी की आंदोलन की विरासत को और संविधान को बचाने के लिए ज़रूरी है, और साथ ही देश के अंदर छुपी आर्थिक संभावना, राष्ट्र के अंदर छुपी प्रगति संभावना को सच करने के लिए ज़रूरी है। अब मैं तीसरे सवाल पर आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत गलतफहमी है, हमारे राजनीतिक प्रतिष्ठान, हमारे नेताओं में इस कॉन्फिडेंस की कमी है, उस समझ की कमी है कि ये काम कैसे हो सकता है। तो मेरा तीसरा हिस्सा बातचीत का रहेगा कि समान स्कूल प्रणाली संभव कैसे है, हर स्कूल को एक बहुत अच्छा स्कूल बना देना कैसे संभव होगा, हर बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारना, उसको पर्याप्त मात्रा में टीचर उपलब्ध हों, पर्याप्त आकार का खेलने का मैदान हो, खेलने का सामान हो, हर बच्चे को प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला मिले, क्या ये असंभव स्वप्न है, क्या ये होने वाली चीज़ है, या ये बहुत मुश्किल काम है जो कि कभी नहीं हो सकता। तो मेरा इसमें आश्वासन ये है, मेरा विश्वास ये है, मेरा प्रस्ताव ये है कि ये संभव है। कैसे संभव है? कुछ जुगत लगानी पड़ेगी, कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा, कुछ प्रबंधन के नए कौशल को दिखाना पड़ेगा, थोड़ी नई कल्पनाशीलता दिखानी पड़ेगी, एक नए ढंग की सोच दिखानी पड़ेगी। पुरानी बनी बनाई लीक पीटने से कुछ नहीं होगा, पुराने ढरे पर सोचने से नहीं होगा, लेकिन अगर हम पूरी जुगत के साथ सोचें, अपने प्रबंधन के, पब्लिक फाइनेंस कैसे डील करना है, वित्त का प्रबंधन कैसे करना है, नए सिरे से सोचें, तो ये संभव है। मैं एक दो उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। मैं क्यूबा का उदाहरण आपको दूंगा। 60 के दशक में जब क्यूबा में क्रांति हुई, सोवियत संघ के अलावा पूरी दुनिया ने अपने क्यूबा से संबंधों को काट लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्कुल पास में क्यूबा है, लेकिन क्यूबा को जरूरी दवाइयां और ईंधन तक मिलना बंद हो गया। तो क्यूबा ने एक इस तरह की आर्थिकी अपनाई, एक ऐसा तरीका अपनाया कि हम बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा चिकनी सड़कें नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम जो मनुष्य की क्षमता में जो प्रगति करनी है, मनुष्य की जो विकास करना है, जो मानव विकास करना है, ह्यूमन कैपिटल में विकास करना है, उसमें हम अपनी पूरी सामर्थ्य का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम अपनी ताकत का निवेश करेंगे। इससे परिणाम ये निकला कि क्यूबा में ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट जो है, क्यूबा में ये बहुत तेज़ी से संभव हुआ कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कौशल का विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, उसमें अभूतपूर्व परिणाम सामने आए। उसके लिए किसी विदेशी कर्जे की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूरे क्यूबा के समाज में एक ऐसा परिवेश मिला कि हम सबको अपनी अपनी क्षमताओं में प्रगति करनी है। परिणाम क्या हुआ? आज की तारीख में और पिछले 3 दशकों से क्यूबा में हर 100 व्यक्तियों के पीछे, हर 1000 व्यक्तियों के पीछे डॉक्टरों की संख्या पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। पूरे क्यूबा में जो एक
सीखने का माहौल है, लर्निंग का माहौल है, हायर एजुकेशन का माहौल है, वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन का सवाल है, उसको अपनी क्षमता को विकसित करके बहुत अच्छी तरीके से एक सफलता के बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचाया गया। मैं भारतीय संदर्भ में ये भी कहना चाहूँगा कि समान स्कूल प्रणाली इस तरह से संभव है कि अगर हम इसको एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर चिन्हित करें, पूरे देश में इस बात का माहौल बने, धीरे धीरे सरकारें भी इसके पक्ष में आएं, राजनीतिक दल भी इसके पक्ष में आएं, राजनीतिक आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता भी इसके पक्ष में आएं, वकील समाज इसके पक्ष में आए, और पूरे देश में ये बात समझ में आनी पड़े लगे कि मंगलयान बनाने से ज़्यादा, मिसाइल बनाने से कहीं ज़्यादा देश की मजबूती के लिए हर व्यक्ति के अंदर छुपी, हर बच्चे के अंदर छुपी क्षमता का विकास है, तो शायद ये आत्मविश्वास आए कि हम जो शिक्षा के नाम पर अभी बजट हम खर्च कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा करें। कोठारी आयोग की संस्तुति है, उसकी रिकमेंडेशन है कि हमको 5% 6% खर्च करना चाहिए। तो एक तो अपना जो नेशनल एलोकेशन है वो बढ़े, लेकिन ये तो एक पुराना तर्क है। मेरा नया तर्क और प्रस्ताव ये है कि शिक्षा के काम को हम पूरी तरह से आर्थिक शक्तियों के और सरकारों के हाथ में छोड़ने की जगह एक राष्ट्रीय चर्चा का, राष्ट्रीय पहलकदमी का और राष्ट्रीय प्राथमिकता का एक विषय बनाएं। मैं फिर कहूँगा कि देश में हर नौजवान, देश का उद्योगपति, देश का उद्यमी, देश का हर शिक्षित नौजवान, देश की सभी तरह की संस्थाएं ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लें कि हमें हर स्कूल को एक उच्च गुणवत्ता के स्कूल में बदलना, हर बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने के इस राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की पूर्ति करनी है। एक तरफ सरकार की तरफ से इच्छा शक्ति हो, संसाधनों का बेहतर आवंटन हो, दूसरी तरफ समाज और कम्युनिटी की तरफ से ये पक्का इरादा हो कि हमें ये काम कर डालना है। ये काम एक दिन में नहीं होगा, एक दशक में होगा, लेकिन एक दशक में भी अगर हम इस दिशा में निर्णायक प्रगति करते हैं तो पूरे राष्ट्रीय समाज के लिए एक अद्भुत रूप से बड़ी उपलब्धि ये होगी। तो समान स्कूल प्रणाली संभव है बेहतर एलोकेशन से, एक नेशनल कमिटमेंट की तरफ बढ़ने से, समाज के सभी वर्गों के इसमें भागीदारी से, और क्योंकि हमारे मन में ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि नेशनल लेवल पर कॉमन स्कूल सिस्टम राष्ट्र के अंदर छुपी हुई जो उसकी लोकतांत्रिक प्रतिभा है उसके विकास के लिए, उसके अंदर छुपी आर्थिक प्रतिभा है उसको निखारने के लिए अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। तो ये जब हम क्यों का उत्तर पा लेते हैं तो कैसे का उत्तर हमें स्वतः मिलने लगता है। पूरा जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, औद्योगिक समाज है, उसको समझ में आने लगेगा कि एक भारत की प्रगति के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए भी एक ज़रूरी है कि पूरा समाज अधिक स्किलफुल हो, ज़्यादा स्वाभिमान से भरा हो, विविध तरह की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी हो, और एक संपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय उत्पादनता, उत्पादकता में, रचनाशीलता में बराबर का और हर संभव तरीके से भागीदार हो, तो निश्चित रूप से ये सवाल जो कि आज बहुत मुश्किल लगता है, निश्चित रूप से बहुत बेहतर तरीके से और सक्षम तरीके से किया जा सकता है। और समान स्कूल प्रणाली जिसका मतलब ये है हर स्कूल हमारा इतना अच्छा हो कि किसी को ये संकोच ना हो, ये सोचना ना पड़े कि इस स्कूल में हम कुछ बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस सवाल का समाधान होगा। तो मैं अपनी पूरी बात को समेटते हुए फिर से ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान के इस विरासत को छोड़ना पूरे देश के साथ धोखा होगा, आज़ादी की लड़ाई के साथ धोखा होगा, अगर हम भारत के हर बच्चे को एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए एक अनुकूल परिवेश, उसके लिए जरूरी हर स्कूल को एक बहुत अच्छी गुणवत्ता का और समान गुणवत्ता का अगर स्कूल नहीं बना पाते तो हम अपनी आज तक की जो कमाई हमारी लोकतंत्र के नाम पर हुई है उसको खो देंगे। तो आज इस आत्मविश्वास के साथ, एक नई समझदारी और नई कल्पनाशीलता के साथ इस चुनौती की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है जिसमें कि समान स्कूल प्रणाली के अंतर्गत हम हर स्कूल को उच्च गुणवत्ता का स्कूल बना पाएंगे। और ये शुरुआत होती है सरकारों के स्तर पर, क्योंकि सबसे पहले इच्छा शक्ति वहाँ पर सामने आनी चाहिए, एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एक राजनीतिक प्रतिष्ठान की तरफ से, रूलिंग एलीट की तरफ से ये बात अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। कोर्ट और संविधान इसमें साफ तौर से कहते हैं कि हमको इस तरफ बढ़ना ही होगा, और अगर जनता इसमें समर्थन में खड़ी होती है तो अनिवार्य रूप से सरकारें भी इसमें झुकेंगी। तो इस
ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतर वो समय है जब हम समान स्कूल प्रणाली की तरफ बढ़ते हुए अपने राष्ट्रीय आंदोलन के बचे हुए काम को पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।